दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि चहल की फनी बल्लेबाजी देखकर उनकी बीवी धनश्री की भी हंसी निकल गई और राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबले में चहल जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन पर उनकी पत्नी धनश्री से लेकर बीच मैदान में फील्डिंग कर रहे हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और बाकी के खिलाड़ियों की भी हंसी निकल गई। आखिर क्यों हंस पड़े ये सारे खिलाड़ी और कैसे बल्लेबाजी कर रहे थे युजवेंद्र चहल, उसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में किसे मौका मिलना चाहिए, हार्दिक पांड्या या फिर वेंकटेश अय्यर को? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबले में पूरे दिन हार्दिक पांड्या ही नजर आए। जी हां, आज उन्होंने किया भी कुछ ऐसा। आपने हमेशा ही सुना होगा कि हार्दिक एक 3D प्लेयर हैं, लेकिन राजस्थान और गुजरात के बीच के मुकाबले में हार्दिक पांड्या 4D प्लेयर वाला काम कर रहे थे। जी हां, इस मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तो की ही की, साथ में लाजवाब कप्तानी भी कर रहे थे और राजस्थान की टीम पर अकेले हार्दिक पांड्या ही भारी पड़ गए। और आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने केवल 52 गेंदों में 87 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके एक विकेट भी अपने नाम किया और आज मैदान में वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहे और उन्हें कुछ समय मुकाबले से बाहर भी रहना पड़ा। जब लॉकी फर्गुसन की गेंद पर राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन रन लेना चाहते थे, उस पर हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा रॉकेट थ्रो मारा कि जिस पर संजू क्रीज से काफी दूर रह गए और उनके इस खतरनाक थ्रो पर आप स्टंप को देख सकते हैं कि उसके 2 टुकड़े हो गए। और लाजवाब कप्तानी और शानदार प्रदर्शन के दम पर हार्दिक ने मजबूत राजस्थान को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। वहीं दोस्तों आज राजस्थान की खराब बल्लेबाजी का आलम यह रहा कि युजवेंद्र चहल की बल्लेबाजी का सहारा लेना पड़ा। जी हां, आपको बता दें कि जब आखिरी ओवर में बल्ला लेकर युजवेंद्र चहल मैदान पर आए तो उनके आते ही मैदान पर एक अलग सा माहौल छा गया। और जी हां, आपको बता दें कि वैसे तो युजवेंद्र चहल हमेशा ही अपने फनी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो जहां कहीं भी रहे वहां हमेशा ही हंसी मजाक का माहौल चलता रहता है। राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबले में ऐसा ही देखा गया जब कैप्टन हार्दिक पांड्या की एक शॉर्ट पिच गेंद को युजवेंद्र चहल छक्का मारना चाहते थे पर गेंद उनके बल्ले के ऊपर हिस्से पर लग के सर्कल को पार भी नहीं कर पाई और इस पर उनके कैच को लपकने के लिए दौड़े शुभमन गिल की भी हंसी निकल गई। और यही नहीं, हार्दिक पांड्या से लेकर राहुल तेवतिया भी युजवेंद्र चहल की बल्लेबाजी पर हंसते हुए नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा उनकी बीवी धनश्री का रिएक्शन। जब चहल बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त धनश्री भी फनी अंदाज में उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रही थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को फाइनल तक ले जा पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।